रियलमी ने एक और एंट्री लेवल स्मार्टफोन रियलमी C3 अनाउंस कर दिया है, जो 14 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। ये लगभग 7 से 8 हजार के प्राइस में अवेलेबल होगा और लगभग इसी प्राइस में मार्केट में दो और फोन अवेलेबल है, एक रेडमी की तरफ से रेडमी 8A और दूसरा इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स हॉट 9। इन दोनों फोन में भी प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे स्पेक्स मिल जाते हैं। आज की इस वीडियो में तीनों ही फोन का स्पेक्स कंपेरिजन करने वाला हूं और साथ ही ये भी बताने वाला हूं तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपको अपने जरूरत के हिसाब से खरीदना चाहिए। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तीनों फोन के डिस्प्ले की। तो Realme C3 में आपको 6.5 इंच HD प्लस IPS मिनी ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलने वाला है। Gorilla Glass 3 स्क्रीन प्रोटेक्शन, 88.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो और 16:720 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलता है। Redmi 8A में आपको 6.22 इंच HD प्लस IPS डॉट नॉच डिस्प्ले मिलता है। Gorilla Glass 5 के प्रोटेक्शन के साथ 89% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, 19:5:9 एस्पेक्ट रेशियो और 1540x720 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलता है। वहीं इन्फिनिक्स हॉट 9 में आपको 6.6 इंच HD प्लस IPS पंच होल डिस्प्ले मिलता है, 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो और 16:720 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलता है। तीनों में से कौन सा डिस्प्ले आपको पसंद है वो आपकी चॉइस है। अब बात करें तीनों ही फोन के कैमरे की। Realme C11 में आपको डुअल रियर कैमरा मिलता है। प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ, दूसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इसके अलावा फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है f2.0 अपर्चर के साथ। 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरे में मिल जाता है। Redmi 8A में आपको सिंगल रियर कैमरा 12 मेगापिक्सल का मिलता है f1.8 अपर्चर के साथ। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट इस फोन में भी रियर और फ्रंट दोनों कैमरे में मिल जाएगा। वहीं Infinix Hot 9 में क्वाड रियर कैमरा मिलता है, 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, दूसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, तीसरा 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर और चौथा 0.2 मेगापिक्सल लो लाइट के लिए। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी इस फोन में भी रियर और फ्रंट दोनों कैमरे में मिल जाएगा। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तीनों ही फोन में आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बॉडी मिलता है। Realme C11 दो कलर वेरिएंट में आ सकता है, ग्रीन और ग्रे। Redmi 8A 3 कलर वेरिएंट में अवेलेबल है, रेड, ब्लू और ब्लैक। वहीं Infinix Hot 9 दो कलर वेरिएंट में अवेलेबल है, ओशियन वेव और वायलेट। अब बात करें तीनों ही फोन के प्रोसेसर की। तो Realme C11 MediaTek Helio G35 ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ आएगा, जो 2.3 GHz पे क्लॉक्ड और 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी प्रोसेस पे फिट ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। IMX पावर VRGE8320 GPU यहाँ आपको मिलता है। MediaTek Hyper Engine गेम टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी यहाँ आपको मिल जाता है। Redmi 8A Snapdragon 439 ऑक्टा कोर चिपसेट के साथ आता है, जो 2.2 GHz पे क्लॉक्ड और 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी प्रोसेस पे फिट ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। Adreno 505 का GPU यहाँ को मिलता है। वही Infinix Hot 9 MediaTek Helio P22 चिपसेट के साथ आता है, जो 2.2 GHz पे क्लॉक्ड और 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी प्रोसेस पे फिट ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। IMX पावर VRGE8320 GPU यहाँ आपको मिलता है। तो तीनों ही फोन के परफॉर्मेंस आपको एक जैसा ही देखने को मिलेगा। Realme C11 में आपको थोड़ा बेटर गेमिंग देखने को मिलेगा। बैटरी बैकअप के लिए तीनों ही फोन में 5000mAh का बिग बैटरी दिया गया है। Realme C11 और Infinix Hot 9 दोनों में ही आपको 10W चार्ज सपोर्ट और माइक्रो USB केबल मिलता है, पर Redmi 8A में आपको 18W चार्ज सपोर्ट मिलता है, पर इनबॉक्स आपको 10W का ही चार्जर मिलेगा। यहाँ आपको टाइप सी USB केबल मिलता है। अब तीनों ही फोन के सॉफ्टवेयर की बात करें, तो Realme C11 Realme UI 1.0 के साथ आता है, जो Android 10 पे बेस्ड है। Redmi 8A MIUI 10 के साथ आता है, जो Android 9.5 पे बेस्ड है। वही Infinix Hot 9 XOS 6.5 के साथ आता है, जो Android 10 पे बेस्ड है। Realme C11 और Redmi 8A में आपको सिर्फ फेस अनलॉक का ही सपोर्ट मिलेगा, फिंगरप्रिंट सपोर्ट नहीं मिलता है, पर Infinix Hot 9 में आपको फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों का ही सपोर्ट मिलेगा। डुअल 4G होल्ड का सपोर्ट तीनों ही फोन में मिल जाएगा। नेटिव वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट भी तीनों ही फोन में मिल जाएगा। डेडिकेटेड SD कार्ड का सपोर्ट भी तीनों ही फोन में मिल जाएगा। लगभग सभी सेंसर तीनों ही फोन में मिल जाएंगे। दोस्तों, ये था तीनों ही फोन का स्पेक्स कंपैरिजन। अब बात करें तीनों में से कौन सा फोन आपको अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदना चाहिए। तो अगर आपको 6.5 इंच मिनी ड्रॉप नॉच डिस्प्ले, बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस और Realme UI आपको पसंद है, तो Realme C11 आप खरीद सकते हैं। अगर आपको एक स्मॉल डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, टाइप सी USB केबल और EMIUI आपको पसंद है, तो Redmi 8A आप खरीद सकते हैं। पर अगर आपको 6.6 इंच पंच होल डिस्प्ले, क्वाड रियर कैमरा, ज्यादा रैम और स्टोरेज और XOS आपको पसंद है, तो Infinix Hot 9 आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा लगभग सभी स्पेक्स तीनों ही फोन में सेम है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।